सो हाय गाइज आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मोबाइल रिपेयरिंग को एज अ करियर सेलेक्ट करना एक अच्छा ऑप्शन है या नहीं तो आप इस वीडियो को पूरा देखना शुरू से लेके लास्ट तक आपके जितने भी डाउट्स हैं मोबाइल रिपेयरिंग को लेके इस वीडियो में वो सारे क्लियर होने वाले हैं इन द केस अगर कोई भी आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा यदि मैंने रिप्लाई नहीं किया तो उस पर एक डेप नॉलेज वीडियो आ जाएगी जिसको देखने के बाद एब्सोल्युटली आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर होने इस वीडियो में मैं जो भी बातें करने वाला हूँ वो सारी रियलिटी बेस्ड होंगी सारी रियलिटी बेस्ड होंगी तो इस वीडियो को पूरा देखना तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो भाई आज के टाइम में जो मोबाइल मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है आप इस बात का अंदाजा इस चीज़ से लगा सकते हो कि जितनी भी बड़ी ब्रांड कंपनीज़ हैं एम आई ओप्पो वीवो सैमसंग वगैरह ये आए दिन अपना एक नया फ़ोन लॉन्च करती रहती है अगर आप इसका स्टेटस उठा के देखोगे इन द लास्ट मंथ तो भी आपको काफ़ी सारे इनके मॉडल मिल जाएंगे जो अपडेटेड हैं तो ये कंपनीज तभी अपना फ़ोन लॉन्च करती है जब मार्केट में डिमांड होती है यदि मार्केट में डिमांड है तभी ये कंपनी अपना फ़ोन लॉन्च कर रही है और मार्केट तक सप्लाई कर रही है और जब मार्केट में ये सप्लाई होगा तो सिंपल सी बात है इनके कंज्यूमर होंगे और कंज्यूमर होंगे कंज्यूमर यानी यूज़र जितने ज़्यादा इसके यूज़र होंगे मार्केट में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी फ़ोन में ये सिंपल सा एक सिंपल सी बात है ये सबको समझ में आती है ठीक है तो इस चीज़ से आपको ये समझ में आ गया होगा कि मार्केट में अभी के टाइम में कितने ज़्यादा स्मार्टफोन हैं और कितने ज़्यादा स्मार्टफोन बेचे जा रहे हैं तो अब मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ जो रियलिटी फैक्ट है और इससे आप समझ पाओगे कि मोबाइल रिपेयरिंग का फ्यूचर क्या होने वाला है फ़र्स्ट ऑफ ऑल देखिए आज के टाइम में जो पर्सन है उसकी ज़रूरत बन चुका है स्मार्टफोन हर एक पर्सन है जो भी कोई व्यक्ति है उसकी एक स्मार्टफोन कितनी ज़्यादा ज़रूरत बन चुका है और ज़रूरत के साथ साथ एक और चीज़ है ये एक अट्रैक्शन बन चुका है अट्रैक्शन यानी कस्टम अगर कोई बंदा अपने आपको चाहे फ़ोन से अलग करना तो वो चीज़ नहीं कर सकता और एक और चीज़ है जो बंदा रेपोटेशन रखने के लिए नए नए स्मार्टफोन ख़रीदता रहता है ठीक है तो ये तीन चीज़ें हैं जिसको मैं अभी मैं क्लियरली आपको क्लियर एकदम डाउट जो भी हैं इसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा तो सबसे पहले बात करते हैं नीड देखो आज के टाइम में फ़ोन जो है लोगों की ज़रूरत बन चुका है आज के टाइम में अगर जो स्मार्टफोन की हम बात करें वो हर एक इंडस्ट्री में है चाहे वो एजुकेशन लाइन हो चाहे वो जॉब लाइन हो या फिर बिजनेस लाइन हो हर एक में स्मार्टफोन है तो अभी हम अगर बात करें एजुकेशन लाइन में तो अभी जो 99 परसेंट है स्मार्टफोन का यूज़ एजुकेशन लाइन में किया जा रहा है अगर आज से हम एक साल पहले देखें तो वहाँ पे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं था बट आज के टाइम में टुडे लाइफ में अगर हम देखें तो स्मार्टफोन का इतनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ चुकी है आज जो भी क्लासेस होती हैं जितने भी एजुकेशन हो रहे हैं जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं सबकी पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है यानी स्मार्टफोन पर हो रही है ये चीज़ क्लियर है आपको ठीक है तो एजुकेशन लाइन में तो है स्मार्टफोन ठीक है अब देखते हैं एजुकेशन में भी है प्लस में जॉब में है जॉब में इस तरीके से कई सारे ऐसे जॉब्स हैं जिनके लिए स्मार्टफोन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है जैसे लाइक ओला ऊबर स्विगी ये कुछ ऐसे काम है जिनमें जो भी पर्सन होता है जो जॉब कर रहा होता है उसे लोकेशन ट्रैक करने की जरूरत पड़ती है तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने सारे ऐसे पर्सन हैं जो स्विगी ओला ऊबर में काम करते हैं तो उनको फोन स्मार्टफोन की जरूरत जरूर पड़ती है अब होता है हमारी रेपोटेशंस बहुत से पीपल्स ऐसे होते हैं जो अपनी रेपोटेशन बढ़ाने के लिए दस हज़ार अगर उनका काम दस हज़ार के फ़ोन में हो सकता है फिर भी वो बीस हज़ार का फ़ोन ख़रीदते हैं ताकि उनकी रेपोटेशन बनी रहे फैमिली में फ्रेंड्स में दोस्तों के बीच ठीक है तो इससे होता क्या है जब कोई भी कस्टमर या फिर कोई भी पर्सन हाई प्राइस स्मार्टफ़ोन ख़रीदता है तो उसके फ़ोन में जो प्रॉब्लम आती है वो हाई मनी वाली आती है यानी जब इसके फ़ोन में प्रॉब्लम आएगी अगर वो शॉप पे आता है तो वो आपको ज़्यादा प्राइस देके जाएगा अकॉर्डिंग टू चीपेस्ट फ़ोन ठीक है तो ऐसा हो चुका है कुछ आज का मार्केट और सबसे अच्छी बात यह है कि आज के टाइम में जो स्मार्टफोन है वो डे बाय डे काफ़ी ज़्यादा अपडेट होते जा रहे हैं यदि मैं बात करूँ आपको कुछ भी काम ऑनलाइन करना है तो आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं फर्स्ट कंप्यूटर सेकेंड लैपटॉप थर्ड स्मार्टफोन तो अगर हम आज से दो तीन साल पहले चले तो स्मार्टफोन में इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं थी स्मार्टफोन में इतने ज़्यादा काम नहीं किए जाते थे जो आज के टाइम में किए जा रहे हैं और आने वाले टाइम में स्मार्टफोन इतने ज़्यादा स्मार्ट होने वाले हैं जो काम हम सिस्टम पे करते हैं आई थिंक वो हम स्मार्टफोन पे कर सकेंगे आज के टाइम में लेकिन मोस्टली काम ऐसे हो चुके हैं जो हम स्मार्टफोन पर ऑलरेडी कर रहे हैं बट कुछ काम ऐसे भी हैं जो हम सिस्टम पे ही कर पाते हैं तो आई थिंक आने वाले टाइम में जिस तरीके से फ़ोन की परफॉर्मेंस रैम रूम सब बढ़ रहे हैं उस तरीके से आने वाले टाइम में ज़रूर हम जो भी काम है इतने बड़े काम जो हम डेस्कटॉप या सिस्टम पे करते हैं वो इजीली फ़ोन पे कर सकेंगे तो ये सारी चीज़ें अच्छी थी और बाकी क्या है आज के टाइम में जो लोग हैं वो ज़्यादा अपडेट होना चाहते हैं अपडेट इन द सेंस हर एक को एक अच्छा फ़ोन चाहिए अगर आज आप मेरी वीडियो देख रहे हो जिस जो आज आज आपके पास फ़ोन है उसके प्राइस को और आज से आप आज से जो आप तीन साल पहले फ़ोन यूज़ करे थे उसको प्राइस को कंपेयर करना कितना ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा अगर मैं बात करूं जो आज आप तीन साल पहले फ़ोन यूज़ कर रहे थे आज से अगर वो फ़ोन अगर प्रॉब्लम आती तो आप मुझे कितना प्राइस देते उस फ़ोन की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए आई थिंक बहुत ही कम देते बट आज जो आपके पास फ़ोन है वो आई थिंक बारह पंद्रह बीस हज़ार का तो होगा एब्सोल्युटली क्योंकि मार्केट में इतना फ़ोन तो यूज़ कोई यूज कर ही रहा है ईजिली ठीक है कोई भी ले लेता है तो उसमें अगर प्रॉब्लम आती है तो आई थिंक आप मुझको ज़्यादा पैसा दे जाओगे तो ये भी है कि गाइज मोबाइल फ़ोन का जो करियर है वो ऐसा है कि अगर आज आपको वो तीन सौ दे रहा है तो आने वाले टाइम में हो सकता है वो आपको छः सौ दे क्योंकि देखो यार पहले जो स्मार्टफोन कंपनीज़ होती थी वो कितने का स्मार्टफोन निकालती थी मुश्किल से तीन हज़ार से पाँच हज़ार के बीच के रेंज का फ़ोन निकालते थी और वो कस्टमर के लिए बहुत बड़ी वैल्यू होती थी बट आज के टाइम में क्या है जितनी भी बड़ी ब्रांड कंपनीज़ है वो पचास पचास हज़ार तीस तीस हज़ार चालीस हज़ार का फ़ोन ईजीली निकाल रही है तो ठीक है मैं मोबाइल वैसे मैं मोबाइल फील्ड से अगर मैं नॉर्मली बताऊं यूज़र कितने की रेंज के यूज अभी ख़रीद लेते हैं तो वो मुश्किल से 12000 से 20000 का 25000 का फोन ईजीली खरीद लेता है कोई भी यूज़र आज के टाइम में ठीक है तो आने वाले टाइम में आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा एडवांस होगा स्मार्टफोन उसकी प्राइस कितनी हाई होंगी ठीक है और जैसे जैसे मैं आप सीरियली बताऊँ जैसे जैसे जनरेशन बढ़ेगी सिम कार्ड की वैसे वैसे फ़ोन की मार्केट प्राइस भी बढ़ेगी अगर हम टू की बात करें जब टू जी सिम आया करती थी तब उतने ज़्यादा यूजर नहीं थे स्मार्टफोन के किसी को ये नहीं पता था कि एंड्रॉइड फ़ोन भी कुछ होता है उस समय सिर्फ की फ़ोन चलते थे तो उसमें इतना ज़्यादा स्कोप नहीं था बट जब थ्री फोन आया तो लोगों को एंड्रॉयड के बारे में पता चला कि भाई एंड्रॉयड भी कुछ होता है जिसमें हम गेम खेल सकते हैं या फिर हम कुछ डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं जब फोर जी नेटवर्क आया तब हमें पता चला कि भाई नेट भी कुछ होता है फोर स्पीड भी कुछ होती है हम कुछ ऑनलाइन भी प्ले कर सकते हैं ऑनलाइन सोर्स भी होते हैं नॉलेज के रियली really, मेरे को तो तब पता चला जब फोर नेटवर्क आया मैं आपका नहीं कह सकता आपको हो सकता है पहले पता हो आपके घर में वाईफाई लगाओ या फिर आपको अच्छी खासी नॉलेज हो ठीक है बट मेरे को जब पता चला जब 4G जी नेटवर्क आया था कि हाँ भाई ऐसी चीजें भी होती हैं बट आज के टाइम में अगर हम देखें 5G जो नेटवर्क आ चुका है आज के टाइम में 5G नेटवर्क भी आ चुका है तो अगर हम 5G नेटवर्क को कंपेयर करें स्मार्टफोन के साथ तो 5G नेटवर्क जिस भी स्मार्टफोन पे होगा वो थोड़ा एक्सपेंसिव फोन होगा अकॉर्डिंग टू 4G और 3G फोन अगर आप 3G फोन देखोगे तो काफ़ी सस्ते मिल जाएंगे आपको 5000 हज़ार के रेंज में 6000 हजार के रेंज में अच्छे खासे मिल जाएंगे बट अगर हम बात करें फाइव फोन की तो वो आपको थोड़े हाई प्राइज वैल्यूबल प्राइज मिलते हैं ठीक है हाई प्राइज़ में मिलते हैं ठीक है तो इसके अकॉर्डिंग यार अभी जो मार्केट की इंडस्ट्री है वो डे बाय डे क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है और इसमें जो प्राइस है जो इसकी इनकम आने वाली है वो धीरे धीरे वैल्यू ऑफ मनी होने वाली है क्योंकि यार अगर आपने सीख लिया ना एक बार तो अगर आप आज तीन सौ रुपये कमा रहे हो तो आने वाले दो तीन साल में वो तीन के हज़ार भी बन सकते हैं ठीक है और मोबाइल रिपेयरिंग की आप सबसे अच्छी बात जानते हैं वो क्या है एजुकेशन डजेंट मैटर आप कितने भी पढ़े लिखे हो या फिर आपको इंग्लिश भी ना आती हो आपको हिंदी पढ़ने लिखने भी ना आती हो तो मोबाइल रिपेयरिंग ऐसा काम है जो स्किल का काम होता है हुनर का काम होता है इसके लिए एजुकेशन मैटर नहीं करती कि आप कहीं जाओगे मोबाइल रिपेयरिंग सीखने तो आपसे कोई पूछेगा भाई तुमने टेल्थ किया है ट्वेल्थ किया है ऐसा कुछ भी नहीं होता है या फिर कोई कस्टमर आता है आपके पास ऐसा फ़ोन लेकर के कि हाँ भाई मेरे को फ़ोन ठीक कराना है या कुछ भी तो वो ये नहीं पूछेगा कि आपने एम करके आए हो बी करके आए हो डिग्री करके आए हो डिप्लोमा लेके आए हो नहीं वो कुछ भी नहीं देखेगा वो सिर्फ एक चीज़ देखेगा आपकी स्किल आपके अंदर जो रिपेयरिंग करने की स्किल है वो कितनी अच्छी है और आप कितना अच्छा उसको रिपेयर करके दे सकते हो इससे आपके कस्टमर बनेंगे इससे आपका फ्यूचर बनेगा ठीक है तो जो मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड है यहाँ पे मेरे को नहीं लगता एजुकेशन उतना ज़्यादा मैटर करता है एजुकेशन तब मैटर करता है जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पे थोड़ा बहुत अगर आपने टेंथ ट्वेल्थ कर रखी है तो आपको मिल जाती है जॉब इजीली वहाँ पे भी ठीक है बट वहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी अच्छी होनी चाहिए ठीक है और आपका बिहेवियर थोड़ा अच्छा होना चाहिए और पर्सनैलिटी तो ये चीज होती है जॉब के अंदर ठीक है और सेकंड ईर की गाइज जब आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखते हो तो आई थिंक मेरे को लगता है वो मोबाइल रिपेयरिंग नहीं होती वो आपका टैलेंट होता है जो आप अंदर पाल रहे होते हो तो यार जब आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखोगे ना तो वो आपके अंदर हुनर आएगा वो टैलेंट आएगा हाथ की स्किल आएगी ठीक है तो अगर हम आज के टाइम में एजुकेशन की बात करके लेके चले तो बहुत से ऐसे पर्सन मिल जाएंगे जिनके पास डिग्री है डिप्लोमा अच्छा खासा डिग्री डिप्लोमा है बट आज के टाइम में जो कदर है वो हुनर की है यदि आपके पास टैलेंट है तो आप किसी भी स्टेट में किसी भी सिटी में नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर ईजीली इनकम जनरेट कर सकते हो अगर मैं बताऊं आपके पास अगर आपको अच्छी खासी मोबाइल रिपेयरिंग आती है तो आप बल्कि इंडिया के नहीं इंडिया के बाहर जाके भी अपनी इनकम जनरेट कर सकते हो ईजिली ठीक है तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है यार और देखो आज के टाइम में क्या है ना अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग आती है आपने एक जॉब छोड़ दी तो दूसरी जॉब आपको वन मंथ के अंदर ईजिली मिल जाएगी अगर आपको काम आता है तो ठीक है बाकी और किसी भी चीज़ को उठा के देख लेना अगर वहां से जॉब छूटती है तो पर्सन को कोई भी जो मतलब जॉब कर रहा होता है उसको कितनी ज़्यादा परेशानियां होती है ठीक है मोबाइल रिपेयरिंग में ये भी है मान लो आपने बिजनेस स्टार्ट किया बिजनेस आपका ग्रो नहीं कर पाया तो वहाँ से आपको एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा तो उस एक्सपीरियंस से आप अपने जॉब में इजिली जा सकते हैं किसी भी जॉब में आपको ईजिली जॉब मिल जाएगी क्योंकि वहाँ पर एक्सपीरियंस चाहिए होता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए होती है आप कैसे पर्सन हो बात करने में आपका ठीक है आप पॉजिटिव हो कि नहीं ये सब चीज़ें देखी जाती है तो यार आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो एब्सोल्युटली आपके पास बड़ा करियर होगा आपने कुछ बड़ा चीज़ सोचा होगा ठीक है आप रिक्स लेना जानते हो तो यार जॉब इजीली मिल जाती है ऐसे पर्सन को ठीक है और आई थिंक मोबाइल रिपेयरिंग ऐसा कोर्स है इतना ज़्यादा शॉर्ट टर्म कोर्स है जो ईज़िली आपके करियर में हेल्प करता है आप मोबाइल एक मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स लीजिए आप और एक अनदर कोई सा भी फील्ड ले लीजिए कोई भी कोर्स कोई भी फील्ड कुछ भी तो इसमें क्या है गाइज अगर आपने मोबाइल रिपेयरिंग सीखा एक तो ये शॉर्ट टर्म कोर्स है इसमें सीखने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता ये इजीली थ्री मंथ्स में सिक्स मंथ्स में ये डिपेंड करता है आपकी लर्निंग पे आप कितने ज़्यादा अच्छे से लर्न कर पाते हो कितना हार्ड वर्क कर पाते हो मोबाइल रिपेयरिंग को लेकर के ठीक है और कितना स्मार्ट वर्क कर पाते हो बाकी अगर मैं मोबाइल रिपेयरिंग की बात करूँ और किसी ओल्ड फील्ड की बात करूँ तो अगर आप कंपेयर करोगे तो मोबाइल रिपेयरिंग में आपको थोड़ा कम रिस्क मिलेगा अकॉर्डिंग टू अदर क्योंकि आज के टाइम में जो मोबाइल फ़ोन है वो आपको पता है कितनी वैल्यू ऑफ़ मनी हो चुकी है कितना ज़्यादा मार्केट में बेचा जा रहा है जितना ज़्यादा बेचा जाएगा उतने ज़्यादा यूज़र होंगे और उतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आती हैं फ़ोन में ठीक है तो ये एक पॉइंट है यार मतलब इतना ज़्यादा स्मार्टफोन बेचा जा रहा है तो आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा लाइफ इसमें सिक्योर है आपकी ठीक है इसमें आपकी इतनी ज़्यादा लाइफ सिक्योर होगी कि आप पता भी नहीं मतलब पूछ भी नहीं सकते यार ठीक है तो मोबाइल रिपेयरिंग और किसी और कोई सा भी आप उठा ली स्किल उसको आप कंपेयर करके देखना मैं ये नहीं बोलता हंड्रेड परसेंट फोन सिक्योर है बट यदि आप ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपके लिए मैं ये मानता हूँ कि फ़ोन रिपेयरिंग सबसे सिक्योर काम है क्योंकि इस काम को पढ़े लिखे बंदे भी कर रहे हैं एम ए ए डिग्री वाले सारे काम कर रहे हैं तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते यार ये काम तो वैसे भी स्किल का है ना, इसके लिए पढ़ाई तो चाहिए ही नहीं उतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं चाहिए हाँ बट थोड़ी बहुत आपको आती है तो वो अच्छी बात है वो आपकी आपको जो चीजें समझने का तरीका है वो थोड़ी आसान कर देंगी तो गाइज़ मोबाइल रिपेयरिंग एक ऐसी स्किल है जितनी आपकी ज़्यादा इंप्रूव होगी ये स्किल आपकी इनकम उतनी ज़्यादा आप जनरेट कर पाओगे इन द सेंस गाइज़ अगर आप टाइम देते हो मोबाइल रिपेयरिंग को एक साल दो साल तीन साल तो आई होप आप अच्छे खासे पोजिशन पर होंगे आपको अच्छी खासी नॉलेज होगी यार अभी जो मार्केट में है वो पैसा किस चीज़ का है वो पैसा है सिर्फ नॉलेज का आपकी स्किल का तो जितने ज़्यादा आप टाइम दोगे मोबाइल रिपेयरिंग को या जितने अच्छे से आप सीख सकोगे उतनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी उतनी ज़्यादा आपकी वैल्यू होगी ठीक है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार जब आप मोबाइल रिपेयरिंग में आती तो है, है, है तो स्किल ऐसी तो बात कुछ बातें थी जिससे आपको ये पता चल गया कि यार मोबाइल रिपेयरिंग कितना बड़ा फ्यूचर होने वाला है आने वाले टाइम में या आज के डे लाइफ में कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है ठीक है तो हम बात करते हैं ऑप्शन जब आप मोबाइल रिपेयरिंग सीख लेते हो तो मैं किस बेस पे बोल रहा हूँ कि आपके करियर में सही करियर है ये एज अ सेलेक्ट करने के लिए ठीक है तो मैं आपको बताता हूँ और क्लियर करता हूँ ठीक है तो जब आप मोबाइल रिपेयरिंग सीख लेते हो आपके पास एक ऑप्शन नहीं होते आपके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं लाइक like, आप एज अ टीचर किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकते हो यदि आपको मोबाइल रिपेयरिंग आती है तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके जो मोबाइल रिपेयरिंग सिखा रही है उसमें आप एज अ टीचर काम कर सकते हो वहाँ पे भी अच्छी खासी इनकम मिल जाती है ठीक है और एज अगर आप मान लीजिए टीचर नहीं बनना चाहते आप अपना खुद का इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं तो आप ख़ुद का भी इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं सेकेंड यदि आपको मोबाइल रिपेयरिंग आती है तो आप किसी भी सर्विस सेंटर में एज अ इंजीनियर और मैनेजर काम कर सकते हैं यदि आपको वो भी नहीं करना तो आप खुद का सर्विस सेंटर ओपन कर सकते हैं ठीक है थर्ड ये कि गाइज आपको अगर मोबाइल रिपेयरिंग आती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी आप कस्टमर को अच्छे से हैंडल कर सकते हो ठीक है अपने दो रुपये की चीज़ को डेढ़ सौ रुपये में बेच सकते हो तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो ठीक है बिजनेस में क्या है इस आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए ठीक है भले ही आपको बिजनेस में ये भी है कि आपको काम आता हो या ना तो आपको कोई भी पर्सन मिल जाएगा जो 12 से पंद्रह हज़ार रुपये में हायर कर लोगे आप निजी मोबाइल रिपेयरिंग के लिए ठीक है तो आप मोबाइल रिपेयरिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो नहीं तो आप किसी के शॉप पे भी जाके काम कर सकती हो वो कमीशन परसेंट होता है या सैलरी बेस होता है ठीक है शॉप पे अलग अलग फंडा होते हैं कोई कमीशन बेस देता है तो कोई सैलरी के अकॉर्डिंग देता है सैलरी देता है ठीक है तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं बाकी आप ये भी कर सकते हो कि ऑनलाइन मोबाइल रिपेयरिंग सर्विस स्टार्ट कर सकते हो जैसे कि आपने कोई वेबसाइट डिजाइन कर लिया वेबसाइट बना लिया और कोई भी बंदा आता है पर्सन सेकेंड पर्सन कोई भी आता है और सर्च करता है मेरे को अपना फ़ोन रिपेयर करवाना है तो वो आपकी वेबसाइट से आपके साथ कनेक्ट हो सकता है जिससे आप उसको सर्विस दे सकते हैं और ये भी कर सकते हैं कि आप डोर स्टेप सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं डोर स्टेप इन द सेंस कि आप कस्टमर के घर पे जाके जैसे कस्टमर ने किसी ने विजिट किया आपकी वेबसाइट पर आपसे क्वेरी करी और आप उसके घर पे जाके उसके ट्रांसपेरेंट काम कर सकते हो उसके सामने जिससे क्या होगा आपकी एक तो ट्रस्ट भी बिल्ड होगी कस्टमर के साथ और कस्टमर दो जने के साथ और आपको रेफर करेगा ठीक है तो ये सारी चीज़ें होती है यार मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में ये तो कुछ ही ऑप्शन मैंने बताए इसके अलावा कितने सारे ऑप्शन हैं ये आप सोच भी नहीं सकते क्योंकि एज अ मैंने टू इयर्स एक्सपीरियंस आपका आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ अपना मोबाइल रिपेयरिंग का ठीक है तो ये तो कुछ ही पॉइंट्स हैं तो अभी तो बहुत सारी चीज़ें यार मोबाइल रिपेयरिंग में आपको बताता गया तो ये वीडियो छोटी पड़ जाएगी बहुत ज़्यादा ठीक है और एक और चीज़ है यार स्पेयर पार्ट का बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हो जब आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखते हो तो आपको नॉलेज स्पेयर पार्ट की हो जाती है और मार्केट में काफी अच्छा खासा कमीशन मिल जाता है मोबाइल रिपेयरिंग स्पेयर पार्ट पर जब आप सेल आउट करते हैं तो सो so गाइज आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी तो यार प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना यदि आपको नेक्स्ट वीडियो किसी भी टॉपिक पर चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए मैं उसका रिप्लाई या फिर उस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा डेथ नॉलेज जिसमें आपको जितने भी डाउट्स होंगे आपको इस चीज़ से रिलेटेड वो सारे क्लियर हो जाएंगे आपके ठीक है तो यार मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आप मेरे को इसमें इस वीडियो के लिए दस में से कितने रेटिंग देना पसंद करेंगे सेवन एट नाइन या टू या थ्री या फोर ठीक है तो कमेंट जरूर करना यार फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय